नालों के ओवरफ्लो होने के बाद घरों में सीवरेज वाला गंदा पानी आने से सुहाना के मंगल नगर के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा भी आठवें आसमान पर है। कॉलोनी निवासियों ने इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उधर नगरपालिका के एमई का कहना है कि आचार संहिता के चलते कॉलोनी निवासियों की परेशानी हल नहीं हो पा रही। सोहना के पुराने बस स्टैंड रोड पर नाले में मिट्टी डालकर नाले के पानी को बंद कर रहे ये लोग मंगल नगर कॉलोनी निवासी हैं, जिनका आरोप सीधा नगरपालिका पर है। दरअसल नगरपालिका के प्रधान और उप प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों का कहना है कि कई महीनों से लगातार गंदे पानी के नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं और इसका गंदा पानी इन लोगों के घरों तक आ रहा है, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनते नहीं, जिसके चलते लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारी कोई समस्या का हल नहीं हुआ। 15 दिन तक की उन्होंने मांगी थी हमसे, उसके बाद में 15 दिन की बजाय अब 1.5 महीना हो गया हमारे घरों में पानी भर रहा है और लैट्रिन का पानी आ रहा, पीने में भी लैट्रिन का पानी है, बच्चे भी लैट्रिन के पानी में से निकल निकल के जा रहे हैं। वही जब नगरपालिका के मैनेजिंग इंजीनियर से बात की गई तो उनका कहना है कि आचार संहिता के कारण नए नाले नहीं खुदा पा रहे, जिससे पानी की निकासी हो सके। आचार संहिता के होते हुए नाले का तो निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए जो पानी का टेम्परेरी जो गार्ड पहले किया हुआ था, मोटर लगा रखी थी और अब भी उसका टेम्परेरी सोल्यूशन कर दिया है। जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी, नाले का सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद निर्माण करा दिया जाएगा। आचार संहिता का हो या प्रशासन का ढूंढमूल रवैया, गंदे पानी के कारण इलाके में बीमारियों का खौफ बना हुआ है। यहाँ तक कि पीने के पानी में भी नाले का गंदा पानी आना शुरू हो गया है। ये सब देखकर तो यही लगता है कि लोगों का ये गुस्सा जायज है। जनता के लिए सोना से सतीश राघव की रिपोर्ट।